वेलकम टू जोरी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्लैंड, यानी कि ग्रंथियों से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को आज हम अपने इस क्लास में करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि बहिर्श्रावी ग्रंथियों से निकलता है। आपको बताना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यानी कि बहिर्श्रावी ग्रंथियाँ, उनसे क्या निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। बहिर्श्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनसे हार्मोन रिलीज होता है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि बहिर्श्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। बहिर्श्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके लिए अलग से एक डक्ट होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन रिलीज करती हैं उनके लिए कोई डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो हार्मोन को अपने ब्लड में रिलीज कर देती हैं। अब देखते हैं कुछ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, उसके अंदर आता है लीवर, और उसके बाद हमारी जो त्वचा होती है उसके अंदर स्वेट ग्लैंड होता है जो कि पसीना निकालता है, और उसके बाद तेलीय ग्रंथि होती है। ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, उसके अंदर देखेंगे आप एच आकार की, ये जो है ये थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, ये सब जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिर्श्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। ये इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती है। और ये जितनी भी हैं, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि या सेरुमिनस ग्लैंड, ये सारी बहिर्श्रावी ग्रंथि हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि थायमस ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्ष गुहा में, यानी कि थोरेसिक कैविटी में हमारी थायमस ग्रंथि पाई जाती है। अब देखते हैं थोरेसिक कैविटी कहाँ पर होती है बॉडी में। अब जैसा कि देख रहे होंगे डायग्राम में कि ये जो है ये हमारे दोनों लंग्स के बिल्कुल बीच में होती है थायमस ग्लैंड। ये जो थायमस ग्लैंड है ये यहाँ पर मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। आपको बताना है कि जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पिनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और जो पीयूष ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि है, और जो पिनियल ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में पिनियल ग्रंथि नहीं देता है, तब आपको पीयूष ग्रंथि पर ही टिक लगाना है। अब आप देखेंगे जैसा कि ये हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क में तीन ग्रंथियाँ आपको याद रखनी है। पहला है हाइपोथैलेमस, और सेकंड नंबर पे है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, और यहाँ पीछे होता है, यहाँ पर होगी आपकी पिनियल ग्रंथि, यानी कि ये वाली पिनियल ग्रंथि जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि जैविक घड़ी के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है। आपको बताना है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किस ग्लैंड को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पिनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये हमारा ब्रेन है, और इसके यहाँ पर जो है ये है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो पिनियल ग्लैंड है ये सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से तो जानते ही हैं, और इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें से मेलाटोनिन, आप देखेंगे इसमें से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये नींद लाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है। आपको बताना है कि हमारे ब्रेन में कौन सा ग्लैंड नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थायमस। थायमस जो ग्लैंड है वो है थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा, चेस्ट में पाया जाता है। ठीक, और जितने भी ये ग्लैंड हैं,
और जितने भी यहाँ पर ये दिए गए हैं हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि, ये सारे ही सारे ब्रेन के ग्लैंड हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी ग्रंथि है जो उम्र भर कार्य नहीं करती है? आपको बताना है कि जो उम्र भर कार्य नहीं करती वो कौन सा ग्लैंड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थायमस ग्रंथि। ये सारी उम्र जो है वो कार्य नहीं करती। ये जो ग्रंथि होती है, देखेंगे आप, पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये जो थायमस ग्रंथि होती है ये वक्ष गुहा में पाई जाती है, और साथ ही साथ ये केवल और केवल 15 साल की उम्र तक बच्चों में काम करती है। इसका काम क्या होता है? तो ये प्रोटीन का निर्माण करती है, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि किसे जो है वो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि हमारा ब्रेन है और ब्रेन के यहाँ पर बहुत ही, आप देखेंगे जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाली जो होती है इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और हिंदी में इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इसी को ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी ग्रंथि एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए आप, कि कौन सी ग्रंथि एंजाइम तथा हार्मोन निकालती हैं। एंजाइम जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्श्रावी ग्रंथि निकालती हैं, और हार्मोन मैंने बताया वो अंतःस्रावी ग्रंथि निकालती हैं। आपको बताना है कि कौन सी एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जो दोनों निकालती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एंजाइम भी निकालती है और एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी निकालती है। ठीक, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये ना एक्सोक्राइन के अंतर्गत आती है और ना ही ये इंडोक्राइन के अंतर्गत आती है। पैनक्रियाज क्या क्या निकालती है? एंजाइम में अगर मैं बात करूँ तो ये 3 प्रकार के एंजाइम निकालती है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है ये 3 प्रकार के एंजाइम पैनक्रियाज निकालती है, और जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 प्रकार के ये हार्मोन्स भी निकालती है। पहला जो हार्मोन है जैसा कि आप देखेंगे वो है ग्लूकेगान। ग्लूकेगान जो है वो अल्फा कोशिका के द्वारा निकालती है, और जो बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्राव करती है, और गामा कोशिकाओं के द्वारा ये सेमोटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करती है, जो हमारी अग्न्याशय ग्रंथि होती है ये। ठीक, ये है हमारी अग्न्याशय, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है स्टमक, लीवर, और लीवर के नीचे यहाँ पर है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाज के अंदर ये आप डक्ट देख रहे होंगे जो कि नली है, इसके द्वारा ये अपना एंजाइम को रिलीज करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा अंग है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से पढ़ना है कि जब पूछेगा शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है तब आपको लीवर टिक लगाना है, और अगर पूछेगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तब आपको त्वचा राइट आंसर लगाना होगा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग, और शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मस्तिष्क में कुल कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मस्तिष्क में कुल कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे मस्तिष्क में, कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गले में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? आपको बताना है कि जो हमारा गला है इसमें कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दो ग्रंथियां। कौन कौन सी? एक तो थायराइड, और थायराइड जैसा कि आप देखेंगे थायराइड के पीछे होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है थायराइड ग्लैंड, ये फ्रंट का है, और पीछे थायराइड के पीछे जो होती है यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्लू ब्लू कलर में डॉट है ये है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में पित्त का निर्माण कौन करता है? आपको बताना है कि जो हमारे बॉडी में गाल यानी कि पित्त का निर्माण कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर यानी कि यकृत। यकृत जो है ये पित्त का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, कान का मोम कौन सी ग्रंथि बनाती है? आपको बताना है कि जो कान का जो मोम है वैक्स वो कौन सी ग्रंथि बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरुमिनस ग्लैंड जो होता है वो कान की मोम बनाने का कार्य करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में कि ये है सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक, ये जो है ये कान की मोम बनाने का कार्य करता है। श्वेत जो ग्रंथि है, श्वेद होगा यहाँ पे, श्वेद जो ग्रंथि है वो पसीने का निर्माण करती है। लार ग्रंथि लार का निर्माण करती है जिसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।